अस्सलामुअलैकुम। देखिए आज मैं आप लोगों को बुरखा कटिंग करने का तरीका बताऊंगा। ये देखिए कपड़ा कितना है, माप लेंगे हम अभी। दो मीटर 85 पैंट है, ये बड़ा पन्ना है पैंट का, वेलवेट कपड़ा है। 2 मीटर 85 पैंट है, इसमें एयरलाइन बुरखा काटेंगे, नकाब, इसको नकाब भी बोलते हैं। देखिए ये वेलवेट का कपड़ा है, 7 इंच का पन्ना है और इसको हमने उल्टा करके, ये 7 इंच का पन्ना है, हमने डबल 4 पदर फोल्ड किया है, 1 2 3 4 फोल्ड किया है। इसमें नकाब काटेंगे, बुरखा काटेंगे। अभी हम देखिए काटने का तरीका बताऊंगा। एयरलाइन है, फुल घेरा चाहिए, इस तरह राउंड निशान लगा लेंगे और इसकी लंबाई है 53 इंच, 53 लेंथ है, आधा इंच शोल्डर में जाएगा और 1 इंच नीचे मोड़ने में जाएगा। तो इसका लेंगे हम 54 इंच, 54.5 इंच लेंगे। तो इसका शोल्डर है इस तरह, हम जो है ना शोल्डर का इधर फोल्डिंग किया हुआ डबल, इस तरफ हम शोल्डर काटेंगे। 15 इंच का शोल्डर है, देखिए। अभी हम जो है ना सीधा यहाँ से शोल्डर से कमर का निशान लगाएंगे 16 इंच पे, और इसी तरह जो है ना हम ये अभी बगल का निशान, आर्मोल का निशान उतारेंगे 8 इंच पे। ये नकाब है, थोड़ा बढ़ के रहता है, तो अभी इसकी जो इसका जो चेस्ट है 25 इंच है, 25 यानी 12.5, इस तरह 12.5 लगा लिया हमने। और ये कमर जो है, कमर के पास 24 है, 24 पे लगा लिएंगे इस तरह, इस तरह 23 है, तो हम इस तरह 11.5 लेंगे, 11.5 पे निशान लगा चुके हैं। अभी इसी तरह हम इस तरह टेप की मदद से हम इस तरह निशान लगा लेंगे। अभी जो है ना क्रॉस स्केल लेंगे, क्रॉस स्केल की मदद से हम इस चेस्ट से कमर तक मिला लेंगे इस तरह। अभी सीधी स्केल लेके जो है ना हम निशान लगाएंगे। ये हो चुका है हमारा आर्मोल का निशान। यहाँ पर लिखेंगे 25 इंच और यहाँ पर लिखेंगे 23 इंच। इस तरह हमारे नकाब के डायग्राम हो गया। इस तरह हम माया इधर से 1.5 से 2 इंच लेंगे, निशान लगाएंगे। देखिए अभी हम कट करेंगे। यहाँ पर शोल्डर का भी हम माया छोड़े हैं। ये कटिंग हो चुका है साइड, अभी हम इधर राउंड कर लेंगे। ये राउंड इतना कर लेंगे ताकि ये साइड में झोल ना पड़े। और इसी तरह हम चटका लगाएंगे या निशान लगाएंगे कमर का और ये चेस्ट का। ये हो चुका है अभी हमारा बैक फ्रंट
नकाब की कटिंग, देखिए इस तरह हमने बचा हुआ कपड़े में इस तरह आप डबल फोल्ड कर लिया है, आस्तीन काट रहे हैं। 22.5 इंच आस्तीन की लंबाई है, यानी कि हम 23 इंच लेंगे और आस्तीन की गुलाई गुलाई जो है 10 इंच रखेंगे। इस तरह निशान लगाएंगे और यहाँ से 3 इंच पे हम उतारेंगे और ये 10 इंच का हम लेंगे, 10 साढ़े 10 इंच लेंगे, आर्मोर का निशान इस तरह क्रॉस स्केल की मदद से हम जो है ना निशान लगाएंगे। ये आर्मोल का हो चुका है और इसी तरह हम यहाँ पे 1.5 इंच की माया छोड़ के कटिंग करेंगे। नीचे जो है ना मोड़ने के लिए माया छोड़ेंगे, कट हो चुका है हमारा आस्तीन। यहाँ पर लिख देंगे 10 इंच की राउंड और इधर थोड़ा सा हल्का सा जॉइंट डालेंगे। देखिए हमने आस्तीन का जॉइंट लगा लिया है, इस तरह कटिंग करेंगे। आस्तीन का जॉइंट है ये पीछे साइड जाएगा, ये हो गया जॉइंट आस्तीन का, ये हो चुका है आस्तीन। अभी हम नेक काटेंगे। देखिए इसमें डबल आस्तीन है इस तरह, ये अंदर वेलवेट का आस्तीन सादा है और उसी तरह ऊपर से जो है ना नेट का आस्तीन बेल आस्तीन रखना है, डबल आस्तीन है, सिर्फ आस्तीन इस तरह डिजाइन है। ऊपर से हम लेंगे 12 साढ़े 12 इंच कच्चा लगाएंगे निशान, और यहाँ पर लेंगे नीचे 12 इंच का राउंड बेल आस्तीन और इसी तरह हम यहाँ लाके मिलाएंगे बेल आस्तीन के लिए। देखिए हम इस तरह हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह बेल आस्तीन भी कट हो चुका है हमारा। देखिए देखिए ये सादे आस्तीन अंदर रहेंगे, ये इस तरह ऊपर डबल रहेगा आस्तीन, तो ये भी आस्तीन कट चुका है बेल आस्तीन। देखिए हमारा, देखिए हम नकाब का राउंड गला रख रहे हैं, 2 बटन आए जैसा फ्रंट ओपन, इस तरह राउंड नेक काटेंगे। और इधर सेंटर ओपन करके 2 बटन लगाएंगे हम इस तरह तावीज के जैसा, इस तरह नेक कटिंग कर लेंगे। राउंड नेक देखिए हमारा नेक कट हो चुका है नकाब में, 1 बटन इधर आएगा, 1 बटन इधर आएगा, 1 बटन इधर भी लगा सकते हैं 3 बटन, लेकिन अच्छा शो आएगा 3 बटन लगाने से। देखिए हमारे नकाब कटिंग की कटिंग पसंद आए तो लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।